करना भी लगभग तय है। चीन और इसराइल के लिए तो ट्रंप राजदूत के नाम की घोषणा भी कर चुके हैं। शपथ लेने के बाद पर उन्हें सेनेट से मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने आदेश 23 दिसंबर को ही जारी कर दिया था। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कराने की कोशिशें भारत ने फिर से शुरू कर दी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी मसूद अजहर को लेकर अपना फैसला जल्द बदल सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर दिए प्रस्ताव पर चीन की आपत्ति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस बार चीन की दीवार तोड़ने के लिए भारत ब्रिटेन अमेरिका के साथ रूस को भी अपने इस प्रस्ताव के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए तैयार करेगा। चीन को मसूद अजहर पर रवैया बदलने के लिए भारत उसके साथ द्विपक्षीय स्तर पर वार्ता भी जारी रखेगा और साथ ही अन्य सहयोगी देशों के साथ भी उसे मनाने की कोशिश होगी। मिशेल ओबामा ने अमेरिका की पहली महिला के पद पर अपनी आखिरी स्पीच दी, जिसको देते वक्त वो बहुत भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जो भी आप हमारे बच्चों और हमारे देश के लिए करते हैं, उन सभी की बातों के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। आप सभी की पहली महिला होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको गर्व करने का मौका दिया है। मिशेल ने व्हाइट हाउस में हुए एक स्कूली समारोह में ये स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अपने पति ओबामा के माध्यम से किए गए शिक्षा के कार्यों को बताते हुए युवाओं को बेहतर शिक्षा लेकर खुद को मजबूत बनाने को कहा। You hear me, young people, don't be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered. Empower yourselves with a good education. Then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise. Jitina